नमस्कार, मैं डॉक्टर जयश्री ममाले आज आपका हेल्थ इज वेल्थ के इस एपिसोड में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम देखेंगे कि हम फिजियोथेरेपी मतलब भौतिक उपचार किन किन विकारों में दे सकते हैं। फिजियोथेरेपी जो है वो हम हड्डी के विकार जैसे कि कमर दर्द, घुटने का दर्द, पीठ दर्द, इन सब चीज़ों में दे सकते हैं, या फिर जब फूड ड्रॉप होता है या फिर कार्पल टनल सिंड्रोम जो होता है उसमें भी हम दे सकते हैं। मस्तिष्क के विकार है, जब भी सिर पे चोट लगती है एक्सीडेंट होने की वजह से, तभी पेशेंट अपना बैलेंस खो देता है चलते टाइम, या फिर कोऑर्डिनेशन मतलब खाने को उसको नहीं होता है ठीक से, तो वैसे उन सब इसमें भी हम लोग बैलेंस या कोऑर्डिनेशन ट्रेनिंग देके उसका जो बैलेंस है वो इम्प्रूव कर सकते हैं। या फिर जब रीढ़ की जो हड्डी होती है जब उसको चोट लगती है, स्पेशली जब आपके सर्वाइकल स्पाइन को इंजुरी होती है, तब आपको क्वाड्रिप्लेजिया होता है मतलब आपके दोनों भी हाथ और दोनों भी पैर बिल्कुल काम नहीं करते, या फिर जब आपके कमर को चोट लगती है तभी जो आपके कमर के नीचे के दो पैर है वो पूरी तरह से काम करना बंद देते हैं, जिसको हम लोग पैराप्लेजिया बोल सकते हैं, इसमें भी हम फिजियोथेरेपी दे सकते हैं। इसका एक अलग से रिहैब रहता है मतलब एक्सरसाइज का प्रोटोकॉल रहता है। या फिर हृदय और श्वसन के संबंधित विकार है जैसे कि अस्थमा है, माइकल इन्फार्क्शन है, अंजाइना पेक्टोरिस है, इन सब चीज़ों में भी हम फिजियोथेरेपी दे सकते हैं। इन सब के अलावा जब भी हम बाईपास सर्जरी करते हैं या फिर पोस्ट फ्रैक्चर केसेस में भी हम लोग फिजियोथेरेपी दे सकते हैं। आज हम लोग शोल्डर पेन के लिए मतलब स्पेशली फ्रोजन शोल्डर जिसमें हाथ बाहर और पीछे नहीं जाता है, इसके लिए कौन से प्रकार के एक्सरसाइजेस कर सकते हैं वो मैं आपको दिखाऊंगी। सबसे पहले तो श्रगिंग, शोल्डर श्रगिंग हम जिसको बोलते हैं, दोनों भी हाथ कमर पे रखने का है। सीधा बैठिए और अपने कंधों को ऊपर खींचिए फिर से नीचे। ये आपको दिन में 2 बार और 1 बार करते टाइम 10 बार करना है। उसके बाद स्ट्रेचिंग जिसको आपको मिरर के सामने करना है, जिसमें आपको दोनों भी हाथ स्ट्रेट लाइन में लेने के हैं, पीछे फिर से आगे। इससे आपको अपर बैक मसल्स में स्ट्रेचिंग फील होगा जिसकी वजह से वो रिलैक्स हो जाएंगे। थर्ड टाइप ऑफ एक्सरसाइजेस जिसमें आप दोनों भी हाथ अपने कंधों पे रखोगे, सेंटर में लीजिए, घुमाइए उसको इस तरह से, आपको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाने हैं। इसकी वजह से आपका जो कंधा है वो पूरा मोबिलाइज हो जाएगा, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी पूरी पड़ेगी। उसके बाद मैं आपको फ्रोजन शोल्डर के लिए बताऊंगी। जिस हाथ को आपको फ्रोजन शोल्डर है वो आपको साइड में रखने का है, और जो हाथ आपका कंफर्टेबल है उसका सपोर्ट लीजिए। ठीक है, खड़े रहिए, पहले वॉक स्टैंडिंग पोजीशन, आगे पैर लीजिए, झुक जाइए आगे, फिर हाथ आगे लीजिए, पीछे, अंदर, बाहर और गोल, ऐसे ही उल्टा। ये सब आप घर पे भी कर सकते हो फ्रोजन शोल्डर के लिए। इसकी तरह से मैंने आपको बताया कि हम फिजियोथेरेपी मतलब भौतिक उपचार किन किन विकारों में दे सकते हैं। इसके आगे की जो जानकारी है वो हम लोग अगली बार लेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। मेरा नाम उज्ज्वला विजय राणे है, मैं चिकित्सालय में चिकित्सा में 2 महीने पहले आई। आते समय मुझे घुटने का पेन था, शोल्डर पेन था, बैक पेन था, स्वेलिंग था पैर में, और मेरे को चलने में बहुत तकलीफ हो रही थी कि मैं थोड़ा सा चलेगी तो मेरे दोनों पैर लॉक हो रहे थे। यहाँ आने के बाद, यहाँ की ट्रीटमेंट लेने के बाद मेरा बहुत सारा पेन कम हो गया, मैं अभी चल सकती हूँ, स्वेलिंग कम हो गया। फॉर ऑल दिस थिंग आई थैंक चिकित्सा। मेरा नाम अनिल सकपा है, मैं थाना में रहता हूँ खोपरी में। पिछले कई महीनों से मेरे L4 लेफ्ट साइड में बहुत दर्द हो रहा था। चिकित्सा के बारे में मैंने कुछ पेपर में पढ़ा था तो मैं यहाँ पे आ गया। पिछले 2-3 महीने से यहाँ पे ट्रीटमेंट चालू है और मुझे अभी पूरी तरह से अच्छा लग रहा है, मुझे अभी पूरी तरह से अच्छा महसूस हो रहा है, मुझे ट्रीटमेंट भी अच्छा मिला। दिल से चिकित्सा सेंटर को थैंक्स बोलता हूँ।